Good morning, students. Welcome to online class from RDS Public School. और फिर से हम लोग बेस्ट ऑफ द वीक जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, क्लास वन सब्जेक्ट मैथ्स. तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन, विच डेज कम्स बिटवीन, ठीक है बच्चों. ट्यूजडे और थर्सडे, कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे और फ्राइडे, कौन सा डे रहेगा? मंडे, वेडनेसडे, ठीक है, कौन सा डे आएगा? फ्राइडे, संडे, कौन सा डे आएगा? इस तरीके से कि क्या हमने क्वेश्चन लिखा है कि विच डे कम्स बिटवीन, इस दोनों डेज के बीच में कौन सा डे आएगा वो आपको पुट करना है. जैसे ट्यूजडे बीच में ब्लैंक्स है, थर्सडे, ट्यूजडे के बाद कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है. इस तरीके से आपको इसको फुलफिल करना है. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, आप बच्चों इसको कॉपी में नोट करके, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप हमें सेव करेंगे, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको दे रहे हैं वो भी आप सेव करेंगे. आप इसको कॉपी पेज नोट करके आप हमें जब टाइम होगा तो आप हमें सेव कर देंगे, हम आप चेक कर देंगे उसको, ठीक है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको हम दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, विच डे कम्स आफ्टर संडे, ठीक है. इसका जो आंसर होगा आप आंसर लिख के इसको क्वेश्चन के साथ आंसर करके इसको, तो इसका मैं which date
comes before Tuesday. Fifth question says which day between Tuesday and Thursday. चलिए एक बार फिर से उसको समझा रहे हैं। विच डे कम्स आफ्टर संडे, संडे के बाद जो वो कौन सा डे आएगा वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। विच डे कम्स बिफोर ट्यूजडे, ट्यूजडे से पहले कौन सा डे आएगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। विच डे बिटवीन ट्यूजडे एंड थर्सडे, ट्यूजडे और थर्सडे के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है बीच का, ठीक है, कौन सा डे आएगा वो डाल देंगे। क्वेश्चन विच इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह का फर्स्ट डे जो होता है वो मंडे होता है, मंडे से काउंट करेंगे फोर्थ डे कौन सा आएगा वो उसका नाम डाल देंगे। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का फर्स्ट डे क्या होता है वो उसका नाम डाल देंगे। ये सब चीज के बारे में फंडामेंटल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप इसको होमवर्क नोट कर लेंगे और होमवर्क के रूप में आप इसको हमें सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हैव अ नाइस डे, बाय।